चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कि आज का क्लास हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बोल्टेड कनेक्शन के बारे में, ठीक है। तो बोल्टेड कनेक्शन का कंसेप्ट आपका ऑलमोस्ट पढ़ा हुआ है। हमने जो टेंशन मेंबर स्टडी किया था, टेंशन मेंबर में हम लोगों ने जो बोल्टेड कनेक्शन का डिजाइन पढ़ा था, उसी का पार्ट रहेगा ये कंप्लीटली बोल्टेड कनेक्शन, ठीक है। तो टॉपिक का नाम लिखो, बोल्टेड कनेक्शन। बोल्टेड कनेक्शन, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूं, सबको आवाज क्लियर है, चेक करो पहले। हाँ सर, क्लियर। ओके, मैं एक बार एकदम स्लोली रीड करता हूँ। क्या लिखा है? अ मेंबर ऑफ अ ट्रस्ट, एक ट्रस्ट का मेंबर है, जिसमें कंसिस्ट क्या किया है, कंसिस्ट ऑफ टू एंगल्स। यहाँ पर दो एंगल है, इसको बोलते हैं ISA, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड एंगल। एंगल का साइज कितना है? 75, 75, 6। तो 75 × 75 × 6 mm लिखा है, प्लेस्ड बैक टू बैक, ठीक है। इट कैरीज अल्टीमेट टेंसाइल लोड। ध्यान देना, अल्टीमेट बोला या फैक्टर्ड बोला या डिजाइन बोला, बात एक ही है। लोड कितना है? 150 kN। फिर लिखा है, इज कनेक्टेड टू अ गसेट प्लेट 8 mm थिक। गसेट प्लेट का थिकनेस कितना है? 8 mm का, 8 mm थिक, प्लेस्ड इन बिटवीन द टू कनेक्टेड लेग। मतलब जो गसेट प्लेट है वो दो लेग्स के बीच में है, ठीक है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 16 mm डायमीटर बोल्ट। बोलो बोल्ट का डायमीटर कितना है? 16। तो बेटा बोल्ट होल का डायमीटर कितना होगा? 16 में कितना ऐड करूंगा? बोल्ट होल का डायमीटर कितना रहेगा? 2, 16 + 2। 16 + 2 = 18। सबको याद है इस पॉइंट? बोलो आयुष। हाँ सर, हाँ, फिर लिखा है ग्रेड 4.6 का बोल्ट है। तो ग्रेड 4.6 का बोल्ट है। अब सबको मालूम है ग्रेड 4.6 बोला तो FUB कितना होता है? मिनट पीछे करो ना। हाँ, मैं देने का टाइम दूंगा आपको, एक मिनट रुक जाओ। 400 N/mm² और फिर क्या बोला है? अज्यूम FU ऑफ प्लेट एज 410। मतलब प्लेट का स्ट्रेस FU बोला, दैट इज कॉल्ड एज 410 N/mm². m2। हाँ, ये कॉपी कर लो। किसी का माइक ऑन है? लिखिए बेटा, बोलो लिखिएगा। हाँ सर, हो गया। ठीक है, ध्यान देना, दो दो एंगल्स है यहां पर, टू एंगल्स है, एंड जो गसेट प्लेट है वो दो लेग्स के बीच में है, ठीक है। क्या लिखा है? 8 mm थिक गसेट प्लेट प्लेस्ड इन बिटवीन द टू कनेक्टेड लेग्स। अब देखो कनेक्शन को पहले समझो, ये अपनी गसेट प्लेट है, मान लो एंगल होता है एल शेप का, और एल शेप उसने प्लेस किया है बैक टू बैक। बैक टू बैक ऐसा प्लेस किया है कि गसेट प्लेट बीच में आने को ना और आजू बाजू में उसके लेग्स रहने को ना, ऐसा। इसको बोलते हैं टू एंगल्स प्लेस्ड बैक टू बैक ऑन अपोजिट साइड या फिर आइदर साइड ऑफ गसेट प्लेट।
दो एंगल्स है और गसेट प्लेट उसके बीच में है, तो इसको बोल सकते हैं टू एंगल्स प्लेस्ड बैक टू बैक या फिर अपोजिट साइड ऑफ द गसेट प्लेट, और इनके बीच में हम लोग बोल्टिंग करेंगे। यहाँ पर ये करेंगे बोल्टिंग। अब मेरे को आप लोग बताओ यहाँ पर बोल्ट को फेल होने के लिए कितने शीयर मिलेंगे, कितने शीयर प्लेन्स मिलेंगे बोल्ट को फेल होने के लिए? दो दो। और कोई आंसर क्या रितांशु, कितने प्लेन्स मिलेंगे कटने के लिए बोल्ट को? सर, दो। दो, एक यहां से कटेगा और एक यहां से कटेगा। तो ये वाला जो केस है ना, एक स्पेशल केस है, इसमें आता है डबल शियर। क्या आता है इसमें? डबल शियर। कभी भी देखना पहले बोल्ट कितने असेंबली से पास कर रहा। आपका जो बोल्ट है ये एक एंगल से पास हो रहा, ये एक गसर प्लेट से पास हो रहा और ये एक एंगल से पास हो रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा डबल शियर। ठीक है, बस एक बार ये समझ गया कि डबल शियर है, इसके बाद प्रोसेस पूरा सेम है। चलो स्टार्ट करेंगे। पहला स्टेप आपको निकालना है शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट आपको याद होगा क्लॉज नंबर, क्लॉज नंबर क्या था? 10.3.3, पेज नंबर 75, याद है आयुष? वीडीएसबी का फॉर्मूला, हाँ सर, याद है। एफ यू बी बाय √3 γ m b एन 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 ए बी प्लस एन एस ए एस बी। ठीक है, तो वी डी एस बी इक्वल टू, बोलो ग्रेड 4.6 है, तो एफ यू बी कितना हो जाएगा? 400 √3 γ m b की वैल्यू हमेशा 1.25। सिंगल शेयर के डबल शेयर है, ये डबल डबल शेयर है है, डबल शेयर। डबल है, तो एन एन की वैल्यू 2 आएगी। डबल शेयर में एन एन 2 आता है, एन एस आता है 0, ये टर्म पूरा कट जाएगा। और ए एन बी कितना है? 0.78 π/4 डी का स्क्वायर। डी फॉर डायमीटर, बोल्ट का डायमीटर कितना है? 16, तो करो 16 का स्क्वायर करो, इसको सॉल्व करो, आंसर निकालो। फिफ्टी 57.94। 57.94, 10 पावर 3, 10 पावर 3 को हटा के लिख रहा हूँ किलो न्यूटन। डन। अभी आप लोग आईएस कोड निकालो। आईएस कोड में एक एक की दी हुई है, कोई भी आपको स्टेप्स कॉपी अपना रटना नहीं है, सब दिया हुआ है। पेज नंबर 75 निकालो कोड का। क्लॉज नंबर 10.3.4 दिख रहा क्या ऋषिकेश? हाँ सर, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। सी, बोल्ट की दो कैपेसिटी याद रखना, एक शियर कैपेसिटी और एक बेयरिंग कैपेसिटी। तो बेयरिंग कैपेसिटी का देखो फॉर्मूला दिया यहां पर, बेयरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है? VDPB इक्वल टू VNPB/γ m b। देखा, चलो इसके सेकंड स्टेप पे आ जाओ। ये सेकंड स्टेप है, सेकंड लास्ट स्टेप है, इसका नाम है बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट VDPB, ये होता है VNPB/γ m b। ठीक है, VNPB का फॉर्मूला दिया पर चेक करो।
लिखा है 2.5 KB DT FU लिखा है, दिख रहा है क्या जानचू? सर 2.5 KB DT FU बाय गामा MB, ठीक है? सर एक मिनट पीछे लो ना, हो गया ठीक ये फॉर्मूला आ गया। अब बेटा केबी निकालने के लिए ना एक बड़ा सा फॉर्मूला दिया यहाँ पर, केबी निकालने के लिए क्या लिखा है? केबी इज स्मॉलर ऑफ ई बाय थ्री डी नॉट कॉमा पी बाय थ्री डी नॉट माइनस 0.25, तीसरा है एफ यू बी बाय एफ यू, चौथा है 1, ठीक है? तो केबी निकालने के लिए आपको चार चीजें निकालनी पड़ेंगी। पहले ये ई बाय थ्री डी नॉट, पी बाय थ्री डी नॉट माइनस 0.25, तीसरा एफ यू बी बाय एफ यू और चौथा है 1, ठीक है? चलो तो पहले केबी निकालने के लिए तुमको दो चीज निकालनी पड़ेगी। पहला निकालना पड़ेगा ई मिनिमम, मतलब मिनिमम एज डिस्टेंस, क्या बोलते हैं उसको, मिनिमम एज डिस्टेंस। इसका भी फॉर्मूला कोड में दिया हुआ है, कोई भी चीज आपको याद नहीं रखनी है। पेज नंबर 74, क्लॉज नंबर 10.2.2.4.2 क्या लिखा है था? मिनिमम एज एंड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एनी होल टू द नियरेस्ट एज ऑफ अ प्लेट शैल नॉट बी लेस देन 1.7 टाइम्स होल डायमीटर, ठीक है? इन केस ऑफ शियर और हैंड फ्लेम कट एजेस एंड 1.5 टाइम्स द होल डायमीटर इन केस ऑफ रोल्ड मशीन फ्लेम कट एजेस। मिनिमम एज डिस्टेंस निकालने के दो फॉर्मूले कोड में दिए हुए, एक दिया है 1.7 टाइम्स होल डायमीटर, एक दिया है 1.5 टाइम्स होल डायमीटर। हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे कि हम लोगों ने मशीन फ्लेम कट एजेस से उसको कट किया है प्लेट को, तो हम लोग हमेशा 1.5 टाइम्स होल डायमीटर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ई निकालने के लिए, ठीक है? तो मिनिमम एज डिस्टेंस रहेगा 1.5 डी नॉट, क्लॉज नंबर क्या, 10.2.4.2। इसका क्लॉज नंबर क्या था ऋषिकेश, बेरिंग वाले का? 10.3.4। चलो ई मिनिमम निकाल लो, डी नॉट है 18, आंसर बताओ। 27 ये आएगा 27, इसको 27 मत लेना, इसको राउंड अप करना 30 पे, तो ई इक्वल टू 30 बोल देना, ठीक है? फिर निकालो पी मिनिमम, मिनिमम पिच ये होता है 2.5 डी, डी कितना अपना 16, चालीस ये आएगा 40, तो पी को बोल दो 40 mm, ठीक है? मिनिमम पिच का भी फॉर्मूला दिया है कोड में, लोड मत लो, मिनिमम पिच का फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है पेज नंबर 73 पे, लिखा है मिनिमम स्पेसिंग। पिच का मतलब स्पेसिंग होता है, दो बोल्ट के बीच की स्पेसिंग। क्या लिखा था? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द फास्टनर्स, फास्टनर मतलब बोल्ट होता है, शैल नॉट बी लेस देन 2.5 टाइम्स नॉमिनल डायमीटर ऑफ द फास्टनर, ठीक है? याद रखना। सो दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम क्लॉज नंबर, बोलो 10.2.2। ठीक है, अब आप कंफर्टेबली केबी निकाल सकते हो, पढ़ो। बोलो हमने निकालो केबी, केबी इज लेसर ऑफ, क्या था फॉर्मूला पढ़ो, ई बाय थ्री डी नॉट दिख रहा है, ई बाय थ्री डी नॉट, ई कितना बेटा, ई 30 है, थर्टी डी नॉट है 20, डी नॉट है 18, आंसर निकालो 0.55 0.55। दूसरा पी बाय थ्री डी नॉट माइनस 0.25, पी फॉर पिच, पिच कितना है 40, डी नॉट है 18 माइनस 0.25।
0.49। तीसरा है एफ यू बी पापा एफ यू। बी फॉर बोल्ट है, बोल्ट का ग्रेड है 400 का, प्लेट का है 410 का। और लास्ट है वन के भी रहेगा, इन चारों में से छोटा, इन चारों में से छोटा कौन है? 0.49। 0.49। ठीक है, अब बोलो वीडीपीवी का फॉर्मूला कैसे बता दो, फिर आप कॉपी कर लेना। 2.5 इंटू आयुष के भी कितना निकला अपना? 0.49। डी फॉर डायमीटर है, डायमीटर ऑफ बोल्ट कितना है? 16। 16। अब थिकनेस क्या पुट करना है पहले वो सुन लो, फिर आप कॉपी करना। ध्यान देना थिकनेस क्या पुट करेंगे वहां पर, जो नहीं नहीं रुको रुको, 6 नहीं, थिकनेस का मतलब होता है वहां पर, टी का मतलब होता है थिकनेस होता है थिनर प्लेट। देखो पढ़ लो अच्छे से, पर क्या लिखा है? टी इक्वल्स टू समेशन ऑफ थिकनेस ऑफ द कनेक्टेड प्लेट्स एक्सपीरियंसिंग बेयरिंग स्ट्रेस इन द सेम डायरेक्शन। सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ, एक्सपीरियंसिंग बेयरिंग स्ट्रेस इन द सेम डायरेक्शन, और इफ द बोल्ट आर काउंटर स्टक काउंटर संक द थिकनेस ऑफ द प्लेट माइनस, एक मिनट, हाँ, और इफ द बोल्ट आर काउंटर संक द थिकनेस ऑफ द प्लेट माइनस 1/2 ऑफ द डेप्थ ऑफ द काउंटर सिंकिंग। ये अपने काम का नहीं है, इसमें आपको इतना याद रखना है कि टी फॉर थिकनेस है थिनर प्लेट का, छोटी प्लेट का। अब मेरे को बताओ आपके एंगल का थिकनेस कितना है? 6 का है, छः और बोल्ट कितने का? 8 का, ओ सॉरी गसेट बोल्ट 8 का है। ठीक है, ये 6 हो गया, तो ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 8 हो गया, बराबर। हाँ अब आपका जो बोल्ट है कितने एंगल से पास हो रहा बताओ मुझे, कितने एंगल से पास हो रहा? दो दो एंगल से पास हो रहा ना, तो यहाँ पे एंगल का थिकनेस तुमको ऐड करना पड़ेगा। एंगल का थिकनेस 6 और 6 12, गजर प्लेट का थिकनेस कितना? 8। 8। वो जो टी है ना, वो टी रहेगा मिनिमम थिकनेस, मतलब इन दोनों में से छोटी वैल्यू। ये स्पेशल केस है, इसके लिए ही फॉलो करना पड़ता, किसके लिए? डबल शीर वाले केस में, जब दो एंगल्स प्लेस बैक टू बैक है, तो दोनों में से मिनिमम थिकनेस कौन सी है छोटी वाली? गसेट गसेट प्लेट की प्लेट की, तो 8 लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे 8 लेना, इंटू 410 बाय 1.25, यहाँ से वीडियो निकल देगा। यहाँ पे गलती से भी 6 मत लेना बेटा, 6 लोगे तो पूरा यहाँ के मार्क्स चले जाएंगे तुम्हारे। पहले कनेक्शन चेक करना, फिफ्टी 1.43। जाएगा 51.43 किलो न्यूटन। ये आप कॉपी कर लो, फिर लास्ट है बचा पास। चलो लास्ट स्टेप देख लो, तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप हम निकालेंगे बोल्ट वैल्यू। बोल्ट वैल्यू का मतलब होता है एक बोल्ट का स्ट्रेंथ, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ वन बोल्ट। लिखो स्ट्रेंथ ऑफ वन बोल्ट होता है ये होता है हमेशा मिनिमम। ये क्या होता है? मिनिमम ऑफ VDSB और VDPB, ये दोनों का छोटा होता है। चलो दोनों में से छोटा कौन है? VDSB और VDPB में से छोटा कौन है? VDSB 57.94 है, VDPB कितना है? 51.43। छोटा कौन है? पीडीपी 51.43 छोटा, वो देगा बोल्ट वैल्यू। अब निकाल लो नंबर ऑफ बोल्ट्स, क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ बोल्ट्स
नंबर ऑफ बोल्ट्स का फॉर्मूला आपको मालूम है, ये होता है फैक्टर लोड अपॉन बोल्ट वैल्यू। फैक्टर लोड आपको दिया क्या क्वेश्चन में? फैक्टर लोड कितना आयुष आयन? 150 दिया, 150 150, यहाँ लिखा 150 अपॉन 51.43, ये अपना आंसर। 2.91 2.91, इसको 3 पर ऑर्डर करना। थ्री क्या बोले? इवन में लेकर ना करके नहीं, याले केस में इवन नहीं करना, याले केस में जो आया उसका नेक्स्ट राउंड ऑफ करना। बता लो क्यों? पहले आप ये कॉपी कर लो, बताता हूँ क्यों ऐसा करना। याला केस ऐसा है कि जिसमें दो एंगल है, बैक टू बैक है, अपोजिट साइड में ना, तो अपोजिट साइड वाले में जितना भी तुम्हारा नंबर आता है, जैसे 2.9 आया, तो उसको 3 पे राउंड ऑफ करना, उसको 4 पे राउंड ऑफ करना, क्योंकि इसका फिगर देखो ऐसा बनता। ये अपनी गसेट प्लेट है, ये अपना एंगल है, ये बोल्ट है, तो दोनों एंगल में कॉमन बोल्ट लगने वाले, 1 2 3, ठीक है? बताओ रितांशु पिच कितना है बोल्ट का? पिच 40 है ना, 40 और एच 30 है, एंगल का साइज डाल देना 75/6 है ना, ठीक है? और ये 8 का, चलो कॉपी कर लो। अब ये एक क्वेश्चन का तुमको बेसिक समझ गया ना, तो तुम अभी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? अब जो आपके पेपर में आ चुका है, तो मैं वो सॉल्व कराऊंगा इसके बाद। डन। डायग्राम भी कॉपी करना इंपॉर्टेंट है, ये भी कॉपी कर लो, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है?